रामलीन फूल ही आती है सर, ये अच्छी क्वालिटी का किसी को शुरू करते हैं जी जी नमस्कार। आज की फेसबुक लाइव में आप सबका अभिनंदन है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर फेसबुक लाइव रखा है कि दिल्ली में स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं पूरी तरह से चरमरा गई है और मुख्यमंत्री घर से भाग नहीं कर रहे हैं। इस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी, साथ में हमारे नेता विपक्ष दिल्ली विधानसभा श्री रामदेव तिवारी जी और इंडिया के सेवरवाई नेता विपक्षी जी, मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूँगा इस फेसबुक लाइव को कंटिन्यू करें। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। हम इस कोरोना पैंडेमिक में, कोरोना संकट में हमने शुरू से ही ये व्रत लिया था कि हम दिल्ली की सारी व्यवस्था में सरकार का हम एक विपक्ष के नाते सहयोग करेंगे और हमने लेटर लिख के भी कि सरकार को बताया कि आपको जो सहयोग चाहिए, चाहे वो खाना बांटने में हो, किचन में व्यवस्था देखने में हो सरकार के किचन में। लेकिन धीरे धीरे ये पूरा संकट काल गया और हमारा सहयोग लेने की बात तो दूर, हम अकेले लोगों को फीड करते रहे और दिल्ली सरकार हर जगह फेल दिखी, चाहे वो खाना बांटने का मामला हो या फिर राशन बांटने का मामला हो, कोर्ट तक को इसने संज्ञान लेना पड़ा। आज जो हम आपके सामने बैठे हैं तो बहुत ही एक दुखद समाचार के साथ बैठे हैं। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी वो बार बार कहते हैं कि हमारे पास बेड की संख्या जरूरत से बहुत ज़्यादा है। अन्य बातों की तरह उनकी ये बात भी एक बड़ी झूठ होकर के निकली, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है हम इस तरह की बातों को लेके आए, लेकिन जिससे जनता के प्राण संकट में पड़ने लगे तो फिर तो हमें बोलना पड़ेगा। ऐसे में आपको एक बात बताते हुए कि कुछ दिन पहले एक पुलिस के, मतलब उसको कोरोना वॉरियर्स, उस व्यक्ति का नाम अमित राणा, ठीक बोल रहा हूँ, कॉन्स्टेबल अमित राणा, उनको कोरोना पॉजिटिव हुए और वो बेड के लिए चक्कर लगाते रहे और अंततः पहुंचने में बेड तक देर हो गई और वो शहीद हो। आज जिस गली में पूछिए हर व्यक्ति का एक ही रोना है, हमारे घर में कोरोना पॉजिटिव हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। कई लोग तो यहाँ तक परेशान है कि हमारी और टेस्ट घरों के करा दीजिए, हमारे घर का निकला उसको भी कराने के लिए कोई टेस्ट की व्यवस्था नहीं है। टेस्ट का कीमत जो है वो तो उस पर हम बाद में बात करेंगे कितनी दुखद है, लेकिन हम आपको एक समाचार आपको दिखाना चाहते हैं कि किस अखबार में है ये, शायद टाइम शुरू की तो दोबारा ये समाचार है अखबार का, जिसमें लिखा है एसएचओ की बेटी को करने पड़े ट्वीट, कमिश्नर के दखल के बाद मिला वेब, कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद 24 घंटे तक लगाए चक्कर, और इसमें सारी रिपोर्ट। मतलब दिल्ली में एक एसएचओ को, जो कोरोना वॉरियर है, उसको बेड पाने के लिए 24 घंटे तक चक्कर लगाए, जब ये कमिश्नर ने उसमें, पुलिस कमिश्नर ने जब उसमें संज्ञान लिया, उन्होंने ट्वीट किया, तब जाके किसी तरह से उस एसएचओ को अभी बेड मिला। आप सोचिए दिल्ली के आम लोगों का क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारे पास, पहले उन्होंने कहा 30,000 बेड है, जब उसकी जांच हुई, जो पीआईएल लगा, तो पता चला मात्र 3,150 बेड है। और अब एक कोरोना वॉरियर को भी बेड के लिए 24 घंटे भागना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल जी ये झूठ क्यों बोल रहे हैं?
आपके आपकी कथना अनुसार 2500 बेड खाली है, तो 2500 बेड खाली है तो किसके लिए खाली है, कहाँ खाली है? आपको मैं एक वीडियो आज आपसे दिखाना चाहता हूँ, जिस वीडियो में जी टीवी हॉस्पिटल के बाहर सड़कों पे मरीज को ऐसे ही लेट पिटा के छोड़ दिया जा रहा है। कुछ लोग जो पॉजिटिव को लेकर के आ रहे हैं और वो फिर उनको कोई देखने वाला नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, क्वारंटाइन करने वाला नहीं है, और वो लोग लेकर के वापस उसको चले जा रहे हैं। हम कहीं और दिखाएंगे, क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, इसका मैं आपको चूंकि कहूँगा तो कई लोग कहेंगे कि भाई इसका कोई आधार क्या है। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ये देखिए, एक व्यक्ति सरदार जी हैं, वो जमीन पे पड़े हुए हैं, एक और व्यक्ति यहाँ स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है, सोलह घंटे से क्या हो रहा है दिल्ली में? मतलब ये दृश्य देख करके इंसानियत शर्मसार हो जाए, ये दृश्य दिल्ली का, ये सब अगर एक बंदे की कोई कीमत नहीं जानती चौकीदार बकवास कर रहा है। ये सारे वीडियो को मैं अभी शेयर करूंगा, इसको शेयर करिए, इसको अपनी पार्टी के इसको जरा ठीक कर दीजिए पीछे से, मैं इसको अपनी पार्टी के फेसबुक से इस वीडियो को मैं शेयर करूंगा। और इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा लापरवाही कैसे कर सकती है कोई सरकार अपनी ही जनता के साथ? इसलिए आज हमको आपके सामने आना पड़ रहा है। ये सारे दृश्य अरविंद केजरीवाल जी से सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि आप टीवी पर रोज आकर के गलत आंकड़े क्यों दे रहे हैं, आखिर इनका जिम्मेदार कौन है? आप मौत के आंकड़े गलत दे देते हैं, आप एक्टिव पेशेंट के आंकड़े गलत दे देते हैं, आप बेड के आंकड़े गलत देते हैं, यहाँ तक कि आप लोगों के टेस्ट करने की व्यवस्था भी ध्वस्त पड़ी है, जमीन पे लोगों को लिटा दिया जा रहा है। ये दिल्ली में क्यों हो रहा है? अरविंद केजरीवाल जी आपको जवाब देना चाहिए। और इसके साथ ही चूंकि हमारे साथ रामवीर सिंह भदौरी जी हमारे नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं, हमारे अशोक गोयल जी मीडिया हेड बैठे हैं, और नीलकांत बख्शी जी हैं, एक बिंदु इसके साथ ऐड करते हुए मैं रामवीर जी को आमंत्रित करूंगा कि आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स अंधाधुंध पैसा ले रहे हैं किसी कोरोना पॉजिटिव से, मतलब 5-5 लाख रुपया लेने का केस आया है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख तक कोरोना पॉजिटिव से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लिया जा रहा है। और दुखद बात यह है कि
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री जी, मैंने खुद सुना है, वो बार बार प्राइवेट में जाने की सलाह दे रहे हैं। अब सवाल उठता है अरविंद केजरीवाल जी कि इसका मतलब आपकी दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था सिर्फ आपके बयानों में है, सिर्फ अखबार के ऐड में है? क्या आपकी प्राइवेट हॉस्पिटल से कोई सांठगांठ है? मुझे याद है रामवीर सिंह जी, मैंने आप लोगों को बताऊं, मैंने पूरा पीसी देखी है जिसमें वो कम से कम 6-7 बार बोलते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल से क्या आपकी कोई साठगांठ है अरविंद केजरीवाल जी? आपको नियंत्रित करना चाहिए। मुख्यमंत्री का ये कार्य है कि इस संकट काल में लोगों का कोई शोषण न कर सके, इसके लिए आप यथाशीघ्र प्राइवेट हॉस्पिटल से बात करिए। भारतीय जनता पार्टी इसकी मांग करती है कि उन लोगों का इलाज भी इस संकट काल में एक सीमित दायरे में ही होना चाहिए। उसके जो टेस्ट हो रहे हैं, जो कोरोना पॉजिटिव के टेस्ट हैं, वो टेस्ट भी का जो रेट है उसको भी घटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी निवेदन करती है, हम आवाज उठाते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा और कुछ आपके सामने रखने के लिए बात रामवीर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। सभी को नमस्कार, मैं हूं रामवीर सिंह विधूड़ी, नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि वो घर से बाहर निकले। दिल्ली के हॉस्पिटल्स की हालत बहुत ख़राब है और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि गुजरात की स्थिति बहुत ख़राब है। अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप दिल्ली में गुजरात की तर्ज पर एक भी नया अस्पताल खड़ा कर पाए? गुजरात की सरकार ने 5 दिन में 1200 बेड्स का हॉस्पिटल तैयार कर दिया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ मैं अरविंद केजरीवाल से यह भी पूछना चाहता हूँ कि जब कोरोना के ऊपर दिल्ली विधानसभा में चर्चा हुई थी तो मैंने उनको कहा था कि दिल्ली में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इनको सरकार ने रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराई है और कम से कम दिल्ली सरकार के लिए इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 10,000 बेड्स उपलब्ध हो सकते हैं, उसके लिए कोई पाई पैसा दिल्ली सरकार को नहीं देना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, अपोलो हॉस्पिटल है, उसमें 27% हिस्सेदारी दिल्ली की सरकार की है और 10 एकड़ जमीन दिल्ली सरकार ने या DDA ने अपोलो को 1 रुपए में उपलब्ध कराई, उसमें 33% बेड्स दिल्ली सरकार के लिए रिजर्व है, उसके लिए कोई पाई पैसा दिल्ली सरकार को अपोलो मैनेजमेंट को नहीं दे रहा है और 40% जो OPD है उसमें मुफ्त इलाज हो सकता है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि वो बताएं कि दिल्ली में लगभग 61 जिन अस्पतालों को जमीन मुफ्त या रियायती दरों में दी गई, क्या एक अस्पताल में उन्होंने किसी गरीब व्यक्ति का जो कोरोना से पीड़ित हो क्या इलाज कराया है? इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गरीबों की तो लुटाई हो ही रही है, वो तो बेचारे खैर जा ही नहीं सकते, और ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2500 बेड्स जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, वो खाली पड़े हैं, तो फिर आप लोगों को क्यों कह रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाइए और वह लाखों रुपए का बिल बन रहा है? तो इसका जवाब अरविंद केजरीवाल आपको देना पड़ेगा। और मैं बार बार कह चुका हूं कि कोरोना के मामले में आज दिल्ली नंबर 1 पर है। दिल्ली की आबादी और क्षेत्रफल की तुलना गुजरात से कर लीजिए या महाराष्ट्र से कर लीजिए तो मालूम होगा कि कोरोना के केसेस तो उस हिसाब से दिल्ली में सबसे ज्यादा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरी तरह से विफल रही है। मैं आज ये कहना चाहता हूं और उनसे ये आग्रह भी करना चाहता हूं कि दिल्ली में जितने भी ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनको रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराई गई या मुफ्त में दी गई, उन सभी के हजारों बेड्स जो हैं वो दिल्ली के लोग जो कोरोना की महामारी से पीड़ित हैं उनको उपलब्ध कराए जाएं। और मैं एक बात और कह रहा हूं
पक्के तौर पे कह रहा हूँ और विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल आपकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मालिकों के साथ मिली भगत है। आप इस संकट की घड़ी में ये जो इस तरह की मिली भगत आपकी है, आपको ये बंद करनी चाहिए। और दिल्ली में चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मध्यम वर्ग के लोग हो, चाहे अमीर लोग हो, उनके लिए ठीक से इलाज की व्यवस्था करें। बहुत सब पत्रकार भाई लोग हमें क्वेश्चन भेज रहे हैं फेसबुक पे, उसको हम अपनी प्रेस रिलीज में डाल के उनकी क्वेरीज को आंसर कर देंगे एंड आई होप कि आपके सबके जवाब हम वहाँ पे दे पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।